वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज मैथी जी एंड माई सेल्फ शुभम कुमार। तो आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर डायमेंशनल एनालिसिस का, फिजिक्स क्लास 11 का चल रहा था। जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था ना, फिजिकल क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में पढ़ चुके थे। लास्ट लेक्चर का रिकैप हम नहीं करेंगे क्योंकि उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आप चाहें तो देख सकते हैं, ये तो प्रीमियर चल रहा है। ठीक है, देखिए सेकेंड लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे, बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। किसका बात करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये होता क्या इसके बारे में बात करेंगे पूरा बढ़िया से। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और क्या होता है, मतलब ये देखिए मेन टॉपिक है डायमेंशनल का, ये मेन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम। होमो मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम। ठीक है ना, ये सब तो ठीक है। देखिए क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या बोलता है? The dimension of each terms of an equation, the dimension, क्या बोला है? The dimension of each term of an equation must be same. The dimension of each term of an equation must be same and we can add and subtract similar physical quantity. पहले यहाँ तक का बात समझते हैं, यहाँ तक समझते हैं क्या बोला ये, यहाँ तक का कोई एग्जाम्पल देखते हैं, कोई एग्जाम्पल देखते हैं, कोई इक्वेशन मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखा हो प्लस, यहाँ क्या हुआ माइनस, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए लिखा हुआ, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ये इक्वेशन है इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, एक इक्वेशन है। इसी तरह इक्वेशन लिखा था ना, फॉर एग्जाम्पल 7x + 9 इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो इक्वेशन मतलब बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए, और जो इक्वेशन में जो टर्म्स होता है ये क्या है, टर्म्स, ये सब क्या है, टर्म्स किससे सेपरेट होता है, प्लस और माइनस साइन से, किससे, प्लस एंड माइनस साइन से, माइनस साइन से टर्म्स सेपरेटेड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन बोलते हैं, बोलते हैं ना। ठीक इसी तरह कोई एक इक्वेशन दे दिया, मान लीजिए 7x दे दिया, 7x + 9 दे दिया, इज इक्वल टू जीरो दे दिया। इसी तरह अगर फिजिक्स में कोई इक्वेशन रहेगा तो कैसे रहेगा, फिजिक्स में मान लीजिए कोई एक इक्वेशन हो गया जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन में देखिए, ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन को और बढ़िया सजा के कैसे लिख सकते हैं, इसको और सजा के कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं s माइनस ut प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इस तरह लिख सकते हैं। मतलब ये एक इक्वेशन है ना, इक्वेशन में एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, माइनस माइनस सेपरेट किया हुआ है, माइनस प्लस कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ बोला गया है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, मतलब इसका जो डायमेंशन आएगा s का मस्ट बी सेम, मतलब s का जो डायमेंशन आएगा वो ut का डायमेंशन के बराबर होगा, इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन का बराबर होगा। यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको भी हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, इस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, देखिए समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, और साथ ही साथ इसके बारे में जो बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए इसका बात करते, देखिए पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, इसको नोट कर लिया, चलिए हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या दिखाते हैं, क्या बोला है, यहाँ बोला है द वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट विद एन, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, क्या सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 सेकेंड है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट लिखते हैं ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, यूनिट क्या, सेकेंड है, ठीक है ना। देखिए इसके बारे में भी बात करेंगे, यूनिट के बारे में, ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, इसके बारे में भी कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये सब भी बात करेंगे, चिंता मत कीजिए, बहुत डीप में जाएगा ये लेक्चर, बहुत डीप में जाएगा, पूरा डायमेंशन टॉपिक ही, मतलब चैप्टर ही डीप में जाएगा। देखिए 2 सेकेंड है तो एक क्वांटिटी है 2 सेकेंड, ठीक है ना, 2 सेकेंड के साथ हम लोग मान लीजिए 4 सेकेंड को ऐड करते हैं तो क्या जाएगा, 6 सेकेंड, है ना। ऐसे हम लोग सेम क्वांटिटी को, सेम क्वांटिटी है सेकेंड सेकेंड, तो यहाँ भी सेकेंड मिला, 2 + 4 = 6। यही अगर हम बोलते हैं, यही अगर हम बोलते हैं क्या 2 सेकेंड + 5 kg ऐड करो, क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, नहीं, क्या कभी ऐड कर सकते हैं, हम बोलेंगे यहीं पर 6 m - 10 kg, क्या हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यही अगर हम बोलते हैं 6 m - 2 m तो क्या हो जाता है, 4 m, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यही बोलता है फिजिकल ऑफ होमोजेनिटी, क्या बोलता है, फिजिकल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, यही बोलता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है बात। तो इसको बढ़िया से नोट कीजिए, इसको बढ़िया से लिख लीजिए, जैसे जैसे एग्जांपल दिखाएं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स में पहुंचते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, ठीक है ना, प्रिंसिपल होमोजेनिटी का।
ठीक है लिख लिया, रब कर दे। चलिए तो चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखिए क्या बोला, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। क्या बोला, ए और बी का डायमेंशन फाइंड करना। इन नंबर वन क्वेश्चन क्या है, वी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका डायमेंशन हमको निकालना है, इसमें इसमें ए का और बी का डायमेंशन निकालना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसमें क्या बोला, ए बाय बी इन, इसमें 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 ए बी का निकालना है और साथ साथ ए बाय बी का भी निकालना है, ठीक है ना, दोनों का निकालना डायमेंशन। तो चलिए पहला नंबर सवाल का सॉल्व करते हैं, नंबर वन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है नंबर वन में, नंबर वन में क्या दिया हुआ, वी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग क्या जानते हैं कि सारा इक्वेशन पहले एक तरफ कर लेते हैं, पहले से इक्वेशन को बढ़िया से बना लेते हैं, वी माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, ठीक है ना। होमोजेनिटी के हिसाब से क्या जानते हैं, इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा, होगा ना। तो चलिए करते हैं, सो वी इज इक्वल टू ए, बी का डायमेंशन क्या होता है, बी का डायमेंशन एल टी का पावर माइनस वन, तो ए ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी का पावर माइनस वन हो जाएगा ना। वी मतलब क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी का पावर माइनस वन, है ना। कैसे दिखा चुके आपको, पहले ही दिखा चुके हैं वेलोसिटी, और भी दिखा दे क्या इसको, इसको बढ़िया दिखा दे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर क्या है लेंथ, सेकेंड क्या है टाइम, तो इसको क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, एल टी का पावर माइनस वन, है ना। ये हो गया हमारा, ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू की बात करते हैं, बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू बी टी, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी इज इक्वल टू वी बाई टी, है ना। तो बी इज इक्वल टू वी मतलब क्या, वी का डायमेंशन क्या भी निकाले, वी का डायमेंशन हमको क्या मालूम है, एल टी का पावर माइनस वन, एल टी का पावर माइनस वन, टाइम का डायमेंशन क्या है, सिफ्टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल टी का पावर टी ऊपर चले जाएगा, क्या हो, टी का पावर माइनस टू। ये आ गया हमारा किसका, बी का डायमेंशन आ गया ना, ए का डायमेंशन बी का डायमेंशन दोनों का डायमेंशन मिल गया। ये क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा था, बहुत हलवा क्वेश्चन था ना, इजी क्वेश्चन था, कितना आसान से कर लिए हम लोग। एक यहाँ से वी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी था, वी माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू जीरो, तो वी इज इक्वल टू ए, एक एक डायमेंशन हम लोग लेते हैं, एक एक इक्वेशन एक एक डायमेंशन के बराबर होता है, ठीक है ना, आराम से हम लोग निकाल देते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, फिर सेकेंड वाला कराते हैं, नोट कीजिए, नोट हो गया ना, ठीक है। इसको देखिए बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जो नोट्स आप खुद से बना रहे हो वही सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स है, सबसे बेहतरीन नोट्स हैं, पहले बता दे रहे, आप जो दूसरे से ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिए, इसका बात करते हैं, पहले ए बाई बी निकालते हैं, फिर ए और बी निकाल लेंगे इसी तरह, ठीक है। चलिए पहले ए बाई बी निकालने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन को देखिए, इसको पी इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए सेकेंड वाला की बात करते हैं, क्या देगा, पी इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। इसको पहले इवेल्युएट करते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए, इसको क्या कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू ए बाई बी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स लिख सकते हैं ना, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ आराम से लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, ए माइन पी माइनस ए बाई बी एक्स माइनस इधर आएगा प्लस जाएगा प्लस टी स्क्वायर बाई बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा इक्वेशन बढ़िया से सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया ना हमारा इक्वेशन, सिंप्लीफाई हो गया। चलिए बहुत अच्छा, ये सिंप्लीफाई हो गया, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पी को इसके बराबर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक एक देखिए एक एक टर्म्स क्या होगा, एक एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पी इज इक्वल टू ए बाय बी एक्स कर लेते हैं, साइन की चिंता मत कीजिए, साइन की चिंता नहीं करना, ठीक है ना, ए बाय बी एक्स, ए बाय बी एक्स हुआ। पी का डायमेंशन क्या होता है, पी क्या है, प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया, प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स बाय एरिया क्या होता है, ए बाय बी, यहाँ पर क्या है, ए बाय बी एक्स है, है ना। तो हमको सिर्फ किसका निकालना है, ए बाई बी, एक्स क्या, एक्स डिस्टेंस है, एक्स क्या डिस्टेंस, ठीक है ना, हम बता दे रहे हैं एक्स क्या डिस्टेंस। तो क्या करते हैं, एफ एक्स ऊपर ले करते हैं, एफ इंटू एक्स बाय एरिया इज इक्वल टू ए बाय बी, हमको इसी का डायमेंशन निकालना है ना, ए बाय बी का निकालना है, किसका निकालना है, ए बाय बी का। इतना तक समझ में आ रहा ना, ध्यान से देखिए, इसको पहले सेपरेट किए, सेपरेट किए, इसको ऐसे किए, ऐसे किए, ए बाय बी एक्स, एक्स को ऊपर लेके आ गए, ठीक है ना, इतना तक समझ में आ गया।
चलिए वेरी गुड, इसको उधर मिटाते हैं, इसको मिटा दें। चलिए अच्छा इक्वेशन क्या था, P इज इक्वल टू ए माइनस क्या था, P इज इक्वल टू छोड़ जो भी था इक्वेशन, हम यहीं से सिर्फ ए वाई बी निकालना था हमको, देखिए उसका जरूरत ही नहीं, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ से हमको ए बाई बी निकालना था, ए बाई बी इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, एफ मतलब क्या होता है फोर्स, फोर्स का टाइप, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन इंटू एक्स क्या डिस्टेंस एक्स डिवाइडेड बाई एरिया, ऐसे फोर्स का सबको मतलब डायमेंशन पहले से निकाला हुआ रहता है, लेकिन हम लोग पूरा डिटेल में दिखा रहे कैसे निकालना। ए बाई बी इज इक्वल टू मास का डायमेंशन क्या होता है एम कैपिटल एम, ये क्या एक्सलेशन, एक्सलेशन का क्या होता है मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का क्या होता है लेंथ और टाइम का क्या होता है माइनस टू टू पावर माइनस टू, ये होता है एक्सलेशन का डायमेंशन। एक्स क्या है लेंथ, डिस्टेंस है ना लेंथ डिवाइड बाई एरिया, एरिया क्या है लेंथ स्क्वायर मीटर स्क्वायर है ना लेंथ स्क्वायर, ये रहा हम लोग का ए बाई बी का डायमेंशन, किसका डायमेंशन ए बाई बी का, इसको मिटाते इसको बढ़िया से इवेल्युएट करते हैं, इसको बढ़िया से इवेल्युएट करते हैं, क्या हो जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू एल स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ ऊपर लेके जाते पहले एम एल एल टू एल एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू डिवाइड बाई एल स्क्वायर है ना, ये है ना सही है ना, एम का मास एक्स एल टू पावर माइनस टू, एक्स का एल ए का एल स्क्वायर, ध्यान से देखिए एल स्क्वायर कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया एल स्क्वायर, तो बचा क्या a बाई बी का डायमेंशन, क्या बचा a बाई बी का डायमेंशन बचा हम लोग का एम टी टू पावर माइनस टू, एम टी का पावर माइनस टू, ठीक है ना, कोई कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, कोई कोई ऐसे भी लिख सकता है, a बाई बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा m m l का पावर जीरो टी का पावर माइनस टू, मतलब एनीथिंग टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन ही होता है, पता है ना सबको पता है एनीथिंग टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो ये हमारा ठहरा डायमेंशन a बाई बी का, कितना आसान था ना, चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए इसको, हो गया नोट, रब कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, चलिए ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई इन x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर, बी टी यहाँ पर दे देते, चलिए स्क्वायर नहीं देते हैं, बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब प्लस डी टी क्यूब बाई ई प्लस टी, ठीक है ना, ये एक इक्वेशन दे दिया, अटपटा इक्वेशन है कोई भी, चलिए कोई बात नहीं, अब ये मत पूछिए कि इक्वेशन किसका है, देखिए उसको जरूरत नहीं है, बस इक्वेशन दे दिया तो दे दिया, ठीक है ना, इसका मतलब फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई, पाँचों का डायमेंशन निकालना, निकाल सकते हैं पाँचों का डायमेंशन, कितना आसान है एक बार ट्राई करिएगा, ट्राई कीजिए एक बार, कितना आंसर आ रहा, 10 सेकंड ट्राई किया, 10 सेकंड में किसी एक का भी आंसर निकलिए, किसी एक का भी कोशिश कीजिए, अगर एक का निकल गया तो सब का निकल जाएगा, आ गया आंसर, अच्छा यहाँ पर x क्या है, x है लेंथ, x क्या है लेंथ है, ठीक है ना, x लेंथ है, t क्या है t टाइम है, t इज इक्वल टू टाइम है, ठीक है ना, सही है ना, चलिए निकाले क्या, चलिए निकालते हैं, किससे बात करें x से बात करते हैं, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को बढ़िया से लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब डिवाइडेड बाय ई प्लस टी है ना इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन आ गया बढ़िया से, आइए ना, चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इक्वेट करते हैं, पहले इसको इसके साथ इक्वेट करते हैं, तो x इज इक्वल टू a, x क्या है लेंथ है, तो इसका डायमेंशन x का डायमेंशन लेंथ, a का डायमेंशन लेंथ हो जाएगा, मतलब a का डायमेंशन निकल गया, a का डायमेंशन निकल गया ना, आसानी से निकल गया, चलिए ठीक है, b का बात करते हैं, तो x इज इक्वल टू बी टी, हमको यहाँ पर b से निकाल, b का निकालना, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू x बाई टी, x बाई टी, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का डायमेंशन मतलब लेंथ, टाइम t का डायमेंशन मतलब टाइम, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, b का डायमेंशन हो जाएगा एल टी का पावर माइनस वन, एल टी का पावर क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है ना, एल टी का पावर माइनस वन, ठीक है ना, b का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल टी का पावर
माइनस वन, सिंपल है ना। चलिए बहुत अच्छा, बी का भी डायमेंशन आ गया। सी का डायमेंशन देखे क्या, सी का डायमेंशन कैसे आएगा बताइए, सी का डायमेंशन कैसे आएगा। तो इसको फिर से इक्वेट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या करते हैं सी टी स्क्वायर। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एक्स बाय टी स्क्वायर। स्पीड तो नहीं हो रहा ना, एक बार दिस रिकैप करते रहे, एक्स इक्वल टू ए किए तो एक्स इक्वल टू एल इज इक्वल टू ए हो गया, एक्स इक्वल टू बी टी किए तो एक्स इक्वल टू बी टी, बी इज इक्वल टू एक्स बाय टी हो गया है ना। तो बी को एक्स मतलब लेंथ, टी मतलब टाइम, तो लेंथ टाइम ऊपर गया तो टी पावर माइनस वन, एल टी पावर माइनस वन, वेलोसिटी हो गया, समझ में आ रही है ठीक है। तो यहाँ देखिए सी एक्स क्या है, एक्स लेंथ, एक्स क्या है लेंथ, चलिए टी क्या है टाइम, टाइम स्क्वायर ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं टी का स्क्वायर है, मतलब एल 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 ऊपर ही रहेगा और टी जो है ऊपर जाएगा, तो क्या जाएगा टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर माइनस टू, मतलब सी का डायमेंशन क्या, सी इज इक्वल टू एल टी का पावर माइनस टू। ये हमारा ठहरा सी का डायमेंशन। ए निकल गया, बी निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, बचा क्या है डी एंड ई। हमारा ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, बचा क्या डी एंड ई। तो डी और ई आराम से निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे ना आप लोग, कि करके दिखा दें, करके दिखा दें, चलिए जान रहे आप लोग करके दिखाने बोल रहे होंगे। क्वेश्चन तो काफ़ी हलवा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी काफ़ी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना। देखिए किसका बात करते हैं, डी और ई का बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से देखते बात करते हैं, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी क्यूब डिवाइड बाई ई प्लस टी है ना। डी इज इक्वल टू इज एक्स इक्वल टू डी टी क्यूब बाई ई प्लस टी ठीक है। यहाँ से देखिए क्या करें, यहाँ से बताइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ई एक्स प्लस एक्स टी इज इक्वल टू डी टी क्यूब, इसका डायमेंशन से, डायमेंशन से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी टाइम मल्टीप्लाई करते हैं डायमेंशन से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए डायमेंशन से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का डायमेंशन लेंथ, डी का डायमेंशन डी का पता नहीं है, टी का मतलब टाइम का क्यूब डिवाइडेड बाय, देखिए आराम से अलग अलग करके, अलग अलग करके ऐसे नहीं करते, अलग अलग करके करते डिवाइड बाय ई, ई का डायमेंशन पता नहीं प्लस टी का डायमेंशन ठीक है ना। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर सकते हैं बताइए, बहुत तरीका है इसको करने का, सब इसमें मैथमेटिक्स लगाएंगे, क्या करेंगे मैथमेटिक्स लगाते हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स कैसे लिए, इसमें मैथमेटिक्स अगर लगाना है तो लगाना हो कैसे, वन बाय एल कर सकते हैं इसको, इसको चेंज कर देते हैं, वन बाय एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भी चेंज कर देते हैं ई प्लस टी डिवाइड बाय डी प्लस डी टी क्यूब, कर सकते हैं ना इसको, कर सकते हैं। ध्यान से देखिए ये चीज़ अलग की है, बहुत अलग की है ना। अब क्या करते हैं, वन बाय एल मतलब एल का पावर माइनस वन, इसको अलग सेपरेट करते हैं, मतलब ई बाई डी टी क्यूब है ना प्लस टी बाय डी टी क्यूब, अलग अलग सेपरेट किए, अलग अलग सेपरेट किया ना इसको, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अलग अलग सेपरेट किए, सेपरेट किए। अब यहाँ से देखिए अलग अलग टर्म एक एक टर्म के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना एक एक टर्म के बराबर, आराम से हो जाएगा। तो चलिए करते हैं एक एक टर्म के बराबर, इधर का मिटा देते हैं, इधर का मिटाते हैं। देखिए अब हम इक्वेट करते हैं, क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एल का पावर माइनस वन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके साइड करते हैं, पहले डी का निकालते हैं। तो यहाँ से एक टी जाएगा, एक टी जाएगा तो टी स्क्वायर बचेगा, मतलब वन बाय डी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय एल का इनवर्स टी का स्क्वायर, मतलब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू एल, ऊपर जाएगा तो एल हो जाएगा, टी उधर जाएगा टी पावर माइनस टू। ये हमारा आएगा डी का डायमेंशन, किसका आएगा डी का डायमेंशन। अब ई का डायमेंशन निकाले क्या, चलिए ई का डायमेंशन निकालते हैं। ई का डायमेंशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ से क्या हमको मालूम है, एल इनवर्स इज इक्वल टू क्या, ई अपॉन डी टी क्यूब है ना, डी टी क्यूब है, हाँ चलिए डी टी क्यूब है। डी का डायमेंशन हमको मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया, तो एल इनवर्स इज इक्वल टू डी का डायमेंशन क्या मालूम चला, ई अपॉन, देखिए इधर इधर दिखाते हैं, थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रहा ना, लेंदी नहीं है क्वेश्चन, ही अच्छा है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मिटाते थे इधर का,
इधर का मिटा देते हैं। देखिए इधर क्या हो गया, एल इनवर्स इज इक्वल टू ई अपॉन डी का डायमेंशन क्या है, एल टी का पावर माइनस टू, एल टी का पावर माइनस टू, इधर क्या है टी का क्यूब, क्या है टी का क्यूब, तो यहाँ से सिर्फ टी बचेगा, बचेगा ना टी, मतलब एल का इनवर्स इज इक्वल टू ई अपॉन एल, इधर टी बचेगा, टी हाँ एल टी बचेगा, बचेगा ना टी, कैसे बचेगा माइनस टू प्लस थ्री, तो प्लस वन बचेगा, मल्टी पावर सेम, पावर अलग है लेकिन बेस सेम है, तो ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एल इनवर्स एल टी इज इक्वल टू ई, है ना, तो एल इनवर्स एल कट जाएगा तो बचेगा क्या, ई का डायमेंशन क्या बचेगा टी, ये हमारा आया डी और ई का डायमेंशन, ये ठहरा हमारा डी का डायमेंशन, ये ठहरा हमारा ई का डायमेंशन, क्या ईजी था, ईजी था ना, ईजी था ना, चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, इससे थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं, इसको नोट कीजिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हम फिलहाल क्वेश्चन ही कर रहे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन पी इज इक्वल टू पी नॉट ई पावर माइनस अल्फा टी, देखिए यहाँ से देखिए क्या बोला, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, हमको किसका डायमेंशन निकालना है, अल्फा का डायमेंशन निकालना है, इसका किसमें इक्वेशन क्या दिया, पी इज इक्वल टू पी नॉट ई पावर माइनस अल्फा टी, सबसे पहले इसको लिखते हैं, बढ़िया से लिखते हैं इक्वेशन को, बढ़िया से लिख देते हैं, पी माइनस पी नॉट ई का पावर, ये क्या है पी नॉट ई का पावर माइनस अल्फा टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है चलिए ठीक है, ये बात भी सही है। अब यहां से देखिए हम ई का पावर माइनस अल्फा टी का बात करते हैं, पहले ई का पावर माइनस अल्फा टी के बारे में बढ़िया से बात करते हैं, ई क्या, ई इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, ई का कुछ वैल्यू होता है टू पॉइंट समथिंग होता है ना, ई का वैल्यू है, अब देखिए कोई एक वैल्यू है टू है या थ्री है या सिक्स है, इसका पावर कुछ भी कर दे, लाख एक्स करोड़ कुछ भी कर दे, ठीक है ना, कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, क्या हमको क्या देगा, हमेशा क्या देगा हमको, कांस्टेंट वैल्यू देगा, क्या देगा कांस्टेंट वैल्यू देगा, मतलब कोई भी नंबर ले लेते हैं सिक्स लेते हैं या सेवन लेते हैं, सिक्स पॉइंट टू टू फाइव फाइव कुछ भी ले लेते हैं, इसका पावर एक्स कर दे, एक्स बाई टू कर दे, हमको क्या देगा, मिलेगा हमको क्या वैल्यू मिलेगा, नंबर ही ना मिलेगा, कोई वेरिएबल तो मिलेगा नहीं, x मतलब क्या है उतना टाइम्स, x मतलब क्या है उतना टाइम्स, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना, x बाई टू मतलब x बाई टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना इस चीज़ को, तो हमको क्या मिलेगा, हमको कुछ कॉन्स्टेंट ही मिलेगा, तो हमको इतना पता है ना कि कोई भी कॉन्स्टेंट है, एवरी कॉन्स्टेंट इज डायमेंशन लेस, क्या है डायमेंशन लेस, एवरी कॉन्स्टेंट इज डायमेंशन लेस, मतलब यहाँ पर हमको क्या मालूम है, सारा कॉन्स्टेंट क्या है डायमेंशन लेस है, वो तो सही है, अगर सारा कॉन्स्टेंट डायमेंशन लेस है तो मतलब e का पावर माइनस अल्फा टी क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस, है ना, e का पावर माइनस अल्फा टी डायमेंशन लेस हो जाएगा, चलिए ठीक, लेकिन हमको निकालना वैल्यू किसका, अल्फा का डायमेंशन निकालना, तो निकलेगा कैसे बताइए, कैसे निकलेगा बताइए, अगर e का पावर माइनस अल्फा टी डायमेंशन लेस है तो फिर कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे माइनस अल्फा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस, मतलब m का पावर जीरो, l का पावर जीरो, t का पावर जीरो, मतलब डायमेंशन लेस है, सबका पावर जीरो मतलब वन 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 वन, है ना डायमेंशन लेस है, चलिए ठीक है, हमको निकालना क्या अल्फा, तो माइनस हटा देते हैं ना, डायमेंशन में कोई माइनस का काम नहीं है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा एम का पावर जीरो, एल का पावर जीरो, टी का पावर जीरो डिवाइडेड बाय टी होगा ना, ये आएगा हमारा वैल्यू, अगर ये वैल्यू आ रहा हमारा अल्फा का, ये वैल्यू आ रहा तो क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी का पावर जीरो टिक पावर माइनस वन, मतलब इसको हम या फिर ऐसे लिख सकते हैं एम अल्फा का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू टी का पावर माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू एम का पावर जीरो एल का पावर जीरो टी का पावर माइनस वन ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, समझ में आया, कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए, कितना आसान था बताइए, इजी था ना, तो चलिए इसको नोट कीजिए, इजी तरह नोट करिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं बढ़िया से, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, चलिए इसको नोट कीजिए,
देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं SHM से लेते हैं। हाँ चलिए, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, हाँ ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। चलिए हम इसे बोलते हैं ओमेगा का डायमेंशन निकालना, किसका बोलते हैं ओमेगा का, मतलब क्वेश्चन लेते हैं फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा, ये ओमेगा है, इसका डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन निकालना है ओमेगा का, तो देखिए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, वाई क्या है डिस्टेंस है, y क्या है डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, y है डिस्प्लेसमेंट है, मेजरमेंट, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यहां देखिए ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या है और टी क्या है, ओमेगा टी जो है क्या एंगल है, ये क्या एंगल है, मतलब रेडियन, एंगल हमेशा क्या होता है डायमेंशनलेस, एंगल क्या होता है डायमेंशनलेस, एंगल क्या होता है डायमेंशनलेस होता है ना। देखिए थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या है लेंथ, रेडियस क्या है लेंथ, तो लेंथ लेंथ कट जाता है क्या बचा वन, मतलब थीटा इज डायमेंशनलेस, थीटा क्या एंगल है, अगर थीटा एंगल है एंगल डायमेंशन लेस है तो फिर निकलेगा कैसे ओमेगा, सेम क्राइटेरिया सेम फंडा लगाएंगे, क्या फंडा लगाएंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, है ना, इजी है ना, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो डब ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो यहां से हमको निकालना ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइडेड बाय टी, है ना, डिवाइडेड टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी का पावर माइनस वन, एम जीरो एल जीरो टी का पावर माइनस वन आ गया हमारा आंसर। या फिर कोई कोई ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख देता है, ओमेगा इज इक्वल टू डायरेक्ट टी का पावर माइनस वन कोई कोई लिख देता है, ठीक है ना, लेकिन ये प्रॉपर तरीका लिखने का हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल्स जो भी है डायमेंशन में आप लोग आराम से कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन दिखा दे क्या, चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को देखेंगे एंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे मतलब पढ़ेंगे कि क्यों हम लोग डायमेंशन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डायमेंशन, ठीक है। चलिए इसको नोट किया, इसको नोट करते जाइएगा, हम बार बार बोल रहे नोट करते जाइएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, किसका डायमेंशन निकालना बीटा का, इन पी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ई का पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा, ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ एक इक्वेशन दिया हुआ, इस इक्वेशन में हमको बीटा का डायमेंशन निकालना, किसका निकालना बीटा का, ठीक है। वेयर पी इज प्रेशर, पी क्या प्रेशर है, जेड इज डिस्टेंस, जेड क्या है डिस्टेंस है, थीटा इज टेम्परेचर, थीटा क्या है टेम्परेचर है, और के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हमको किसका निकालना है डायमेंशन बीटा का, कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा, चलिए ठीक है। सबसे पहले बीटा का निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये पूरा क्वांटिटी पहले देखते हैं, क्वांटिटी देखिए क्या कैसे निकलेगा, देखिए पी इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा ई का पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ठीक है ना, ये ठीक है, ये पूरा चीज़ तो हमको ये पूरा चीज़ तो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको डायमेंशन निकालना, तो पी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, यहाँ से हमको ये डायमेंशन निकाल सकता है, बीटा निकालने के लिए हमको अल्फा का जरूरत है, किसका जरूरत है अल्फा का डायमेंशन का जरूरत है, तो अल्फा का डायमेंशन कहाँ से आएगा बताओ, अल्फा का डायमेंशन कहाँ से आएगा बताइए, यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा यहाँ से, कहाँ से आएगा यहाँ से, तो यहाँ से अल्फा का डायमेंशन आएगा, तो पहले अल्फा का डायमेंशन निकालते हैं, तो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा बताइए, अल्फा का डायमेंशन मतलब क्या है माइनस अल्फा के अल्फा जेड माइनस छोड़िए बाय के थीटा, ये क्या है डायमेंशनलेस, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक्सपोनेंशियल पावर में डायमेंशनलेस है ना, मतलब यहां से क्या बोल सकते हैं अल्फा जेड बाय के थीटा इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इसका डायमेंशन होगा डायमेंशनलेस का सबका पावर जीरो, ठीक है। अल्फा क्या है अल्फा मालूम नहीं है, चलिए ठीक है। जेड क्या है जेड, जेड बोला डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन एल, ठीक है। के
के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, रेडबर्ग कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट हो, ये क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, वन होता है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए थीटा, थीटा क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होगा, केल्विन, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होगा, केल्विन, क्या होगा, केल्विन, यहाँ पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये ठहरा हमारा डायमेंशन। यहाँ से अल्फा का डायमेंशन को क्या मिलेगा, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के ऊपर जाएगा एल नीचे आएगा, मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो के ऊपर जाएगा ना, हाँ के एल क्या आएगा, एल नीचे आएगा, मतलब एल का इनवर्स, ये ठहरा हमारा डायमेंशन, ये क्या ठहरा, ये हमारा अल्फा का डायमेंशन ठहरा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो कोई कोई कैसे लिखते हैं, कोई कोई इसको डायमेंशन में ऐसे लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, के एल का पावर माइनस वन, के एल का पावर माइनस वन, ये ठहरा हमारा अल्फा का डायमेंशन। ये किसका डायमेंशन ठहरा, अल्फा का डायमेंशन, अल्फा का डायमेंशन तो हमको मिल गया, लेकिन हमको निकालना किसका, बीटा का, तो बीटा का डायमेंशन कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर हम कहीं साइड में लिख लेते हैं अल्फा का डायमेंशन क्या आया, अल्फा का डायमेंशन अल्फा इज इक्वल टू क्या आया, के एल का पावर माइनस वन, यह है हमारा अल्फा का डायमेंशन, ठीक है। चलिए बाकी सबको रब कर दें, बाकी सबको रब कर दें, चलिए रब कर देते हैं, यहाँ से रब कर देते हैं सबको, सबको रब कर देते हैं, चलिए इधर का भी रब कर दें, चलिए ठीक है। अब बताइए P क्या था, यहाँ से हमको क्या मिल रहा था, P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, इसका डायमेंशन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि E का पावर जो था वो क्या था, E क्या है, E एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू का कुछ भी पावर पावर रहेगा तो डायमेंशन लेस रहेगा। तो यहाँ से P क्या है, P है प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, ठीक है। फोर्स मतलब क्या है, फोर्स का डायमेंशन क्या था, डायमेंशन छोड़े, फोर्स मतलब क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन बाय एरिया इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, डायमेंशन का बात करें, ठीक है ना। तो मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का एल टी का पावर माइनस टू, है ना, एरिया, एरिया क्या है, एरिया का एल स्क्वायर, ठीक है। अल्फा, अल्फा का डायमेंशन कितना है, के एल का पावर माइनस वन, के एल का पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय बीटा, यहाँ से हमको बीटा का डायमेंशन मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा ना, यहाँ से हमको बीटा का डायमेंशन क्या मिलेगा, तो बीटा का ऊपर लाते हैं तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा का डायमेंशन क्या मिलेगा, बीटा डायमेंशन मिलेगा के एल का पावर माइनस वन, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, है ना, फिर ये पूरा चीज़ नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टी का पावर माइनस टू आएगा ना, आ गया, आया। अब देखिए क्या क्या कट रहा, क्या कट रहा, यहाँ से देखिए एक एल का पावर माइनस वन अगर नीचे, चलो यहाँ से देखिए, यहाँ दिखाते हैं, बीटा इज इक्वल टू के, यहाँ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल पावर वन माइनस वन, यहाँ प्लस टू है तो एल हो जाएगा, के एल डिवाइडेड बाय एम एल टी का पावर माइनस टू, एल एल कैंसिल, एल एल कैंसिल, तो यहाँ से हम इसको इधर 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 रब करते, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा तो एम इनवर्स, मतलब एम का पावर माइनस वन, के ऐसे रहेगा, टी का पावर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू में तो ऊपर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ठहरा हमारा डायमेंशन ऑफ बीटा, ये क्या है, डायमेंशन ऑफ बीटा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, मतलब आप कर नहीं सकिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन दिखा दे, क्या एक और क्वेश्चन दिखा दे, इसको नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको, एक बार स्क्रीन शॉट ले लिए, एक और क्वेश्चन दिखाता, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं, आप बोलते होंगे लास्ट लास्ट करके कितना क्वेश्चन हो रहा, देखो क्वेश्चन नहीं कीजिए अगर आप लोग तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल्स का कुछ नहीं है, पहले बता दे रहे, तो कोई क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन क्या लेते हैं, चलिए y इज इक्वल टू टेन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना, चलिए माइनस के एक्स, ठीक है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स,
यहां पे बोल दिया है फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के, ठीक है ना। एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस, एक्स क्या है डिस्टेंस है, और टी क्या है टाइम है, चलिए ठीक है ना। एक्स क्या है डिस्टेंस और टी क्या है टाइम है, तो इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, और वाई भी डिस्टेंस है, वाई क्या है वाई भी डिस्टेंस है, ठीक है समझ, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ देखिए हमको क्या मालूम है, टेन क्या है, ये टेन के अंदर कुछ भी वो क्या है थीटा है, क्या है थीटा, लेकिन थीटा तो एक होता है, यहाँ दो है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल में दिखा रहे हैं, ये क्या है टेन सिक्सटी माइनस थर्टी मान लीजिए, या फिर क्या हो सकता है, या मान लीजिए टेन नाइन्टी माइनस कुछ भी है, नाइन्टी माइनस ट्वेंटी है मान लीजिए, कुछ भी, मतलब ये दोनों क्या है थीटा है, ये दोनों क्या है थीटा, और थीटा क्या होता है, मतलब एंगल क्या होता है डायमेंशन लेस, एंगल क्या होता है डायमेंशन लेस होता है ना, ये हमारा कंसेप्ट पकड़ना है, एंगल क्या होता है डायमेंशन लेस। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओमेगा टी इज डायमेंशन लेस, डायमेंशनलेस बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, मतलब मतलब क्या बोल सकते हैं, ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इसका डायमेंशन होगा। तो यहाँ से ओमेगा का निकालना है तो क्या होगा, टी इनवर्स हो जाएगा इधर, टी इनवर्स ये ठहरा हमारा डायमेंशन, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी का पावर माइनस वन, ये तो आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये ठहरा हमारा ओमेगा डायमेंशन। बात अब करते हैं किसका, एक के का डायमेंशन का, किसका बात करते हैं, के, तो के एक्स भी क्या है डायमेंशन लेस है ना, एंगल है, तो के एक्स क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो है ना, तो के है तो के का डायमेंशन निकालना, के इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइड बाई एक्स क्या एल है, लेंथ है तो लेंथ नीचे आ जाएगा है ना, तो लेंथ ऊपर जाएगा तो क्या एल का पावर माइनस वन, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो एल का पावर माइनस हो जाएगा, सॉरी जीरो एल का पावर जीरो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस वन एट द टी जीरो, ये ठहरा हमारा के का डायमेंशन, या फिर कोई कोई के का डायमेंशन ऐसे भी लिख देते के इज इक्वल टू एल का पावर माइनस वन से, ठीक है ना, ये ठहरा हमारा डायमेंशन का क्वेश्चन जो हम लोग किए, ठीक है ना, हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस कर लिए, इसके बाद हम लोग यूनिट ऑफ डायमेंशन की बात करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की बात करेंगे, बहुत सारा भी बात करना है, डायमेंशन बहुत डीप में पढ़ना है, ठीक है ना, इसमें एरर सिग्निफिकेंट फिगर सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो इसको हम यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।